स्पॉन्सर्ड बाय बीआरसी छत्री डेसिकेटेड कोकोनट सुपर पाउडर। दिल्ली में कोर्टरूम के अंदर हुई हत्या के बाद बिजनौर जिला परिसर में डॉग स्क्वाड के साथ चलाया गया तलाशी अभियान। बिजनौर दिल्ली में कोर्टरूम के अंदर सरेआम चली गोली के बाद बदमाश की हत्या करने के बाद बिजनौर पुलिस ने जजी परिसर में तलाशी का अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस में डॉग स्क्वाड के अलावा आने जाने वाले लोगों की भी तलाशी ली और कोर्टरूम के बाहर खड़े लोगों को भी तलाशी के साथ ही जांच की गई। सीओ सिटी कुलदीप गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान डॉग स्क्वाड को साथ लेकर जजी परिसर में पहुंचे और वहां तलाशी अभियान चलाया। जजी परिसर में आने जाने वाले लोगों की तलाशी भी ली गई और उनकी जांच की गई। जो लोग संदिग्ध नजर आए उनसे पूछताछ की गई और उनका आईडी कार्ड देखने के बाद उनको जाने दिया। पुलिस का ये चेकिंग अभियान जजी परिसर के सभी कोर्टरूम के बाहर किया गया। पुलिस का मानना है कि दिल्ली में हुई घटना के बाद बिजनौर में भी इस तरह की कोई घटना दोबारा ना घटे इसके लिए अभियान चलाया गया है और आगे भी ये जारी रहेगा। नवभारत समाचार जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। सर, ये जो आज जजी में चेकिंग अभियान चलाया गया है, क्या पूरा मामला है? माननीय न्यायालय परिसर में सघन रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया। प्रायः आप देखते होंगे कि मेरे द्वारा, सीओ सिटी के द्वारा और एलआईयू के सभी साथियों के द्वारा कोतवाली पुलिस की टीम, पूरा टीम गहनता से चेकिंग करती है कचहरी परिसर में, ताकि किसी आपराधिक घटना को होने से रोका जा सके, यह प्रयास रहता है। उसी के अंतर्गत आज भी सघन रूप से चेकिंग की गई माननीय न्यायालय परिसर की, और कोई भी इस तरह कृत्य करने वाले लोग हतोत्साहित हों और अंदर प्रवेश न कर पाएँ, इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जैसे आज डॉग स्क्वाड और सब टीमें रही हैं, क्या ये दिल्ली को जोड़कर भी सख्ती इस बार ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दिल्ली में घटना हुई है? नहीं, चेकिंग तो लगातार चलती रहती है और अभी लेटेस्ट आपराधिक वारदात घटित हुई दिल्ली में, इसको भी दृष्टिगत रखते हुए सघनता से चेकिंग कराई गई और निरंतर यह कराई जाती है।